नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रचना बंसल। आपको शायद मालूम नहीं कि आसमान में चमकने वाला सूरज आपके जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। आज आपको सूर्य की चाल का पता चलेगा। हमारे साथ होंगे देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो शो को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज के विषय क्या होंगे जिन पर आज हम गुरुदेव से बातचीत करेंगे। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा करते हैं सूर्य? गर्मी से रुला रहे सूर्य कैसे करेंगे जिंदगी में आपका कल्याण? सूर्य और मंगल ग्रह का क्या कनेक्शन है और इससे आपको क्या फायदा होगा? सूर्य को जल चढ़ाने का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार क्या है? तो शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। जरूर बेटा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यानी कि पेट से संबंधित दिक्कत किसी को भी घर में बन सकती है और रुपए पैसे को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कामकाज के लिए अच्छा दिन है, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में कुछ कमी हो सकती है जिसके कारण मन थोड़ा चिड़चिड़ा बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है, आपको कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई की तरफ मन आकर्षित होगा और अच्छी पढ़ाई रहेगी और धन की स्थिरता भी घर पे बनी रहेगी। गुरुदेव, आपसे पहला सवाल मैं यही करूंगी। आज सूर्यदेव आग का गोला कहे जाते हैं। हम देखते हैं कि जब जब वो चरम पर होते हैं गर्मी से हम लोगों का हाल बेहाल कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। उन लोगों के लिए बताइए जो लोग आज हमारे शो को देख रहे हैं कि सूर्य का सीधा कनेक्शन हमारी जिंदगी से कैसे है। जन्म कुंडली के अंदर एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो इंसान के शरीर के लक्षणों को तय करता है कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा। इंसान की आत्मा को तय करता है कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी, और यही समाज के अंदर इज्जत किस स्तर तक की होगी ये भी यही तय करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सूर्य बहुत ही अहम ग्रह है। अगर ये जातक की जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो जिंदगी अच्छी, और अगर ये बुरे बैठे हैं तो सिर्फ जिंदगी ही बुरी नहीं अपनी आत्मा भी बुरी हो जाती है। जैसे जन्म कुंडली का पहले घर का जो सूर्य होता है बेटा, ये इंसान को एक काफी अच्छा पराक्रमी इंसान बनाता है। इंसान को किसी से उम्मीद नहीं होती, ना अपनी औलाद से ना अपने पिता से, वो खुद कमा करके खुद अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है। और ऐसे इंसान को थोड़ी देर तो बेशक तकलीफें रहे, उसको ठोकरें भी जिंदगी के अंदर खानी पड़े, लेकिन जिस दिन वो उभरता है निकलता है वो वाकई में सूर्य के तेज की तरह चमकता है। लेकिन यही सूर्य अगर खराब हो जाए, यानी कि ऐसा इंसान पहले घर का जिसका सूर्य वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, अपने आप कोशिशें करनी बंद कर दे और इंसान व्यसनों में किसी तरह से चला जाए, जो कि जाता नहीं है पहले घर का सूर्य वाला इंसान, लेकिन अगर कहीं व्यसनों में चला जाए माहौलवश, तो इंसान की जिंदगी को यह बर्बाद करके रख देता है। और वहीं सूर्य दूसरे घर का, अगर इंसान जर जोरू और जमीन, यानी कि रुपया पैसा, औरत और जमीन के झगड़े से अगर बच के रहेगा तो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर वाहनों के सुख तो उसको पैदाइशी रूप से ही मिलने हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर वो अपने कामकाज से अपने परिवार को पूरा खुशहाल रखने वाला, सबको सब कुछ देने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, मंदिरों का निर्माण करवाने वाला इस तरह का बनता है। और तीसरे घर का जो सूर्य है बेटा, ये भी इंसान को भाई बहनों के साथ अगर अच्छे व्यवहार रखता है, अपने परिवार का पालन पोषण करके चलता है और अपने अंदर एक संयम बना के रखता है, तो ऐसा इंसान राजा के समान खेलता है। और जितनी उसकी उम्र होती है, या यूं कहो कि जब तक
माता पिता बैठे हैं तब तक उसके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद होता है। और ऐसा इंसान अगर फकीर के घर में भी जन्म ले ले तो तब भी बहुत अच्छी कमाई करके बहुत ही अच्छे स्टेटस का इंसान बनता है। ये सारे गुण सूर्य ही देते हैं। अब चौथे पांचवें घर के अंदर भी ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन छठा घर, छठे घर के अंदर जब सूर्य होते हैं बेटा, तो ये यहां पर बैठ करके जिस प्रकार जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु बैठे हैं उसी प्रकार फल देते हैं। कहने का मतलब अगर राहु अच्छा तो सूर्य अच्छे और राहु बुरा तो सूर्य बुरे, यानी कि उसके अनुसार ही कामकाज देते हैं। और सातवें घर का सूर्य भी बेटा ये पति पत्नी के सुखों के लिए बहुत ही घातक है। और सिर्फ यही नहीं, ये पिता और भाई के सुखों के लिए भी बेहद कमजोर है। समझे? इसी प्रकार से बेटा अगर सूर्य शनि का मेल हो जाए तो इंसान की आत्मा अंदर से खोट वाली हो जाती है, इंसान घबराता बहुत जल्दी है और इंसान चोरी की आदत का मालिक बनने लगता है। कहने का मतलब चोरी छुपे काम करना और स्थिति के अनुसार झूठ बोल जाना, जिसके कारण वो जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता। और यही सूर्य शुक्र का मेल हो जाए तो पति पत्नी वाले निजी सुखों के लिए ये बेइंतहा खराबी के योग देता है और हालात ऐसे पैदा कर देता है कि इंसान गृहस्थी के अंदर तो रहता है लेकिन बाहर कईयों के साथ में संबंध बनाकर, ये बहुत ही खराब योग है। और उसके बाद तीसरा योग बेटा, अगर सूर्य बुध भी आपस में बैठे हुए ये अष्टम भाव के अंदर मिल जाए तो बेटा ये जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़ी खराबियां देते हैं और ऐसे में अपने परिवार के सुखों के लिए, परिवार के मेंबरों के लिए भी घातक होता है और अपने परिवार की इज्जत को डुबोने का काम भी कर देते हैं। और वहीं अकेला सूर्य दसवें घर के अंदर हो जाए तो बेटा ये इंसान को ना तो पहले लिखाई पढ़ाई में चलने देता ना ही पूरी तरह से कामकाज के अंदर टिकने देता है। और सूर्य ग्यारहवें स्थान पर हो और इंसान शराब और मांस का आदि हो जाए तो ना कामकाज उसका अच्छा बचता है, ना उसकी लीडिंग पावर उसकी टोटली खत्म हो जाती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है और इंसान झूठ और फ्रेब के बलबूते अपनी जिंदगी चला करके उसका हाल सत्यानाश कर लेता है। इसीलिए बेटा मैंने बताया तो ये शॉर्ट में है, लेकिन जब तक आप लोग सूर्य को अच्छा नहीं करेंगे तब तक ये बेइंतहा दुखों का कारण बन के रहेगा। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जो आपको जो संस्कार दिए गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो आपको संस्कार सिखाए हैं, अगर आप उनका अनुसरण नहीं करोगे तो बेटा इसमें घाटा आप ही का है और आप ही का नुकसान होना है। कारण यह है कि अगर आप सूर्य को जल देते हैं उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आपका विश्वास बनता है परमात्मा में, और जो परमात्मा का विश्वास है वो हमें गलत राह पे जाने से रोकता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। और अगर यही भाव हम लेकर के चलते हैं तो हम कम से कम बुरे कर्मों से दूर रहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही बेटा अगर सूर्य के यज्ञ वगैरह किए जाए घर के अंदर, भले ही महीने दो महीने तीन महीने में एक आध बार कर ले बेटा, अगर ये छोटे छोटे यज्ञ अनुष्ठान अपने घर पे हम अगर करवाते हैं तो इससे परिवार के अंदर बेटा बहुत ज्यादा अच्छी एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें कि स्वास्थ्य भी होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, इंसान की सात्विक सोच जो बिना किसी को दुख दर्द पहुंचाए कमाई के लिए होनी चाहिए वो देते हैं ये, क्योंकि जो यज्ञ है यज्ञ भी सूर्य के ही कारक है। इसीलिए घर के अंदर यज्ञ होते रहना सूर्य को हमेशा प्रबल और अच्छा और ऊंचा ही रखता है। तो इसीलिए अपने घरों के अंदर यज्ञ भी करवा करके चले बेटा। गुरुदेव अब जरा ये बताइए कर्क सिंह और कन्या राशि वालों को आज का दिन कैसा रहने वाला है? जरूर, कर्क राशि वालों का दिन उत्तम है। आज हर तरह के सुख समाचारों की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका अच्छा साथ आज के दिन देगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना ना भूले, वो जरूर ले, और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। सिंह राशि वालों का आज के दिन में कामकाज के लिए तो योग बहुत अच्छा है, यानी कि कामकाज में अच्छी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप उसको सार्थक बनाएंगे, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख में कुछ कमी बन सकती है और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में खराबी भी देखने को मिल सकती है और वाहन चलाते वक्त आज थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है वरना कोई दुर्घटना हो सकती है।
कन्या राशि, आज कोई शुभ समाचार मिलेगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु अपने ही लोगों में से कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बनी रहेगी और किसी न किसी से मनमुटाव की स्थिति तो बनना तय है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे आगे बढ़ा देते हैं। अभी आपने बताया कि सूर्यदेव अगर हमारी कुंडली में सही स्थान पर नहीं है तो क्या कुछ बुरे फल दे सकता है, लेकिन लक्षण तो आपने बता दिया, उपाय भी अब आप ही बताइए। सूर्यदेव जब भी कभी खराब होते हैं उसके पीछे पापी ग्रह और शुक्र के ही हालात होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर शनि राहु केतु अगर ये सूर्य के साथ है तो सूर्य हमारी आत्मा को, हमारे कामकाज को, हमारे जो अंदरूनी दिल की जो ताकत है, हमारा कॉन्फिडेंस है, इसको बिगाड़ देते हैं। और सूर्य अगर शुक्र के साथ है तो ये हमारी आत्मा को ही चोर बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीवन साथी को धोखा देना, समझे, और अपनी आंखों के अंदर हर वक्त फरेब की पट्टी चढ़ा करके रखना और सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम भी होना, लेकिन साथ ही साथ अपनी चोरी के सारे रास्ते ढूंढना, ये भी जीवन को एक तरह का नरक बनाने की तरफ लेके जाता है बेटा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, जिन लोगों को अपनी आंखों से संबंधित दिखते कोई ना कोई आई ही रहती है, जिनके हर वक्त मुंह के अंदर थूक बना रहता है और वो पूरी तरह से कामों की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और जो हर वक्त इरिटेट रहते हैं बेटा, वो हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के दान जरूर करें, और एक किलो जौ को दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाएं। और जो भी इंसान सूर्य शुक्र के मेल के कारण पति पत्नी के सुख खराब कर बैठा है और जिसका जीवन साथी बीमार रहता है या गुस्से में रहता है और उसके बाद उसके संबंध अगर बाहर भी बनते हैं, तो इसके लिए उपाय, 27 दिन लगातार कांसे का कटोरा आम बर्तनों की दुकान पर मिल जाता है बेटा, कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के उसको जल प्रवाह कर दो, इससे इंसान के अंदर की बुराई टोटली खत्म होकर के वो जिंदगी के अंदर सात्विक कर्मों की तरफ बढ़ेगा और हिम्मत पूरी अच्छी बढ़ने लगेगी। और एक बात और, सूर्य अगर कमजोर हो जाए यानी कि अपने अंदर की हिम्मत टूट रही हो, इरिटेशन बहुत होती हो, तो सबसे उत्तम उपाय कि सुबह सवेरे सूर्य देव का ध्यान करके या आप हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो सिर्फ मर्द है वही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप एक जल का लोटा रखें, उसके अंदर गेरू मिट्टी या थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़ वो उसके अंदर डाल के या गुलाब का फूल डाल के सूर्य को अर्घ जरूर दें। और ये सूर्य को अर्घ देना ये करण की तरह बलवान करता चला जाता है। आपको शायद याद होगी ये कहानी बेटा कि महाभारत में करण जो है कुंती के पुत्र रहे, लेकिन वो सूर्य के पुत्र थे, सूर्य देव के वरदान से ये करण धरती पर आए थे, और ये जो सूर्य को अर्घ देने वाला जो सिस्टम है ये करण ने ही शुरू किया था। कहते हैं करण गंगा जी में खड़ा होकर के बेटा वो घंटों गंगा जी में अपने ये कमर तक खड़े होकर के सूर्य को अर्घ दिया करते थे। और ये अर्घ देने से होता क्या है, अर्घ देने से जितनी ज्यादा देर आप अर्घ देते हो उतनी ही ज्यादा देर आपकी ऑरा बिल्कुल क्लियर होती चली जाती है, आपकी ऑरा के अंदर जितनी भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है वो अपनी जगह पे आती चली जाती है। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शालिनी श्रीवास्तव लखनऊ से, जो कि अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। शालिनी, सबसे पहले आप अपने बेटे के जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी, मैं शालिनी श्रीवास्तव लखनऊ से। गुरु जी, मैं ये बच्चे के बारे में थोड़ा जानना चाहती थी। बच्चे का नाम है आर हसीना और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/13, टाइम 7:14 शाम का, और बर्थ प्लेस इसका लखनऊ। बेटा, तुम्हारे बेटे की जन्म कुंडली के अंदर तीन तीन योग बहुत ही ज्यादा खराब है। सबसे पहला बुध और राहु का मेल जन्म कुंडली के पांचवें घर के अंदर बैठा हुआ, ये पिता के सुखों के लिए, पिता के स्वभाव के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। और ऊपर से यही क्योंकि पांचवा घर ज्ञान का घर है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके 17 साल की उम्र के बाद खास तौर पे ये पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत ही बुरा हो जाता है, उसके बाद ज्यादा पढ़ने नहीं देता और बच्चे में सेल्फिशनेस रहता है। दूसरा योग है सूर्य और शनि का मेल छठे घर के अंदर बैठा हुआ, धीरे धीरे करके 17 साल की उम्र के बाद खास तौर पे ये पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत ही बुरा हो जाता है, उसके बाद ज्यादा पढ़ने नहीं देता और बच्चे में सेल्फिशनेस रहता है।
दूसरा योग है सूर्य और शनि का मेल छठे घर के अंदर बैठा हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है, इरिटेशन देता है, स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी पहले कमियां निकालता है, बाद में कफ वगैरह की दिक्कत देकर के इंसान को बहुत परेशान करता है, और यही पिता की कमाई के लिए भी बहुत ज्यादा उत्तम योग नहीं रहने देता। फिर इसकी जन्म कुंडली के अंदर तीसरा योग जो चंद्र और शुक्र का सातवें स्थान के ऊपर होना, अगर तुम्हारा घर बेटा लंबा हुआ जैसे 15 फुट बाई 30 फुट या 40 फुट का इस तरह से लंबा वाला मकान हुआ, तो इस मकान में रहते हुए इसकी कमाई के, इसकी गृहस्थी के, इसकी मां के सुखों के, सबके हालातों में कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। और ऐसे में जब मां को यानी कि तुम्हें आंखों की दिक्कतें ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई और शरीर में कोई ना कोई रोग रहने की दिक्कत शुरू हो गई, तो उसके बाद ये हालात को टोटली बिगाड़ के रख देता है बेटा। ये तीन तीन बुरे योग है इसके कुंडली, और जिसके चलते इसकी लिखाई पढ़ाई, घर की सुख शांति और समृद्धि सबके लिए मामले खराब है। तो इसके उपाय के रूप में सबसे पहले तुम्हें इस चीज का ध्यान देना है कि तुम लंबे मकान में न रहो, हो सके तो चकोर मकान के अंदर रहोगे तो आधे से ज्यादा दोष तो इसी में खत्म हो जाएगा। दूसरा, 6 दिन लगातार 6-6 नीले फूल या 6-6 नीले कंचे लेकर के सांझ के समय बेटा वीरान जमीन के अंदर दबाना, ये सिर्फ 6 दिन का उपाय है। और तीसरा उपाय है चांदी का एक ठोस हाथी लेकर के, जो कम से कम 60 ग्राम का होना चाहिए, वो लेकर के स्टील की कटोरी में रख के गंगा जल में डिप करके इसको इसके सराहने रखो, और हरे और नीले रंग से सख्त परहेज बना के रखना है, और घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये निकालना है, और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई चीज तुम्हारे घर में नहीं होनी चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाए बैठाइए, और काले कुत्ते को हर रोज रोटी इसके हाथ से जरूर डलवाना बेटा। अगर ये उपाय हो गए तो सब कुछ अच्छा, वरना जितनी मैंने ये बातें बताई हैं समय के अनुसार धीरे धीरे करके एक एक चीज तुम्हारे सामने आती चले जाएगी और वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इन उपायों को तुम जरूर करना ताकि तुम्हारे बच्चे की लिखाई पढ़ाई भी बहुत अच्छी रहे। गुरुदेव, बातचीत आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोंटू जैन पानीपत से। मोंटू जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। 26 जून 1980 शाम को 7:20। स्थान बताइए। हाँ जी, पानीपत। सवाल क्या है आपका? मैं जो काम करता हूँ वो काम चलता नहीं है, फिर चेंज करना पड़ता है बारी बारी। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बैठा चंद्रमा 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, जो बेहद खराबी के ऊपर है। इसे कहते हैं कि हर खुशी के बाद यह गम देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है मनी मन के अंदर परेशानी के योग को बहुत बढ़ाता है। दूसरा योग है बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग, ये जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियां पैदा करता है, जिद के ऊपर लेके आता है, लेकिन इसको तुम बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हो क्योंकि इसका इलाज है, और जब तक ये इलाज तुम पूरे नहीं कर लेते तब तक कामकाज, घर के अंदर की सुख शांति, मन की सुख शांति, मां के स्वास्थ्य के हालात और ससुराल की समृद्धि, इनके लिए कुछ ना कुछ खराबी के योग बने रहेंगे। और वो उपाय है सबसे पहले 43 दिन 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के उसको जल प्रवाह कर दो, और बरसात का पानी कांच के मर्तबान में भर के अपने घर के अंदर रखो। दूसरा उपाय है बेटा 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के तुमने जल प्रवाह करने हैं, और ये हर साल अपने जन्मदिन के आसपास तुमने जरूर करने हैं, ठीक है। और तीसरा 6 दिन लगातार 6-6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा करके उनको जल प्रवाह कर दो। जब तक बेटा ये तुम्हारे उपाय नहीं होते तब तक तुम्हारे लिए हालात खराब है और कामकाज की स्थिरता के योग कमजोर हैं। बहुत ज्यादा पूजा पाठ में न जाकर के नॉर्मल परमात्मा को धूप पत्ती जला करके प्रणाम करो और अपनी जिंदगी को रूटीन पे लिख किया एक ये। और अगर तुम साल 2 साल में एक बार अपने पितरों के नाम का यज्ञ करके अगर भंडारा लगाते गए तो बेटा तुम्हारी जिंदगी की तरक्की बहुत ही ऊंची होगी, कामकाज के अंदर बहुत ही बरकत मिलेगी और गृहस्थी के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बेटा इन उपायों को करो, सब दुख दूर हो जाएंगे और दाता खूब सुख देगा। और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जरूर तुला राशि वाले अगर आज के दिन अपने स्वास्थ्य का। गुरुदेव, ब्रेक के बाद पहला सवाल आपसे ले, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? जरूर
तुला राशि। तुला राशि वाले अगर आज के दिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी हर तरह से दिन बहुत उत्तम है। आज आपको किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ भी हासिल होगा, अच्छे सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर चलते हैं, अपनी वाणी पर अगर संयम रख के चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिसमें कि हर कार्य की सफलता आज के दिन आपको मिलेगी, परंतु मन को काबू में रखें, काम खाएं के मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है, भाई बंधुओं से किसी न किसी प्रकार को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता मन में बनी रहेगी और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी परिणाम आशानुरूप प्राप्त होते दिखाई नहीं दे रहे और शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। गुरुदेव, आपने ये लक्षण बताए तो आपने बहुत उपाय भी बता दिए कैसे हम सूर्य की स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, जीवन में खुशियां आ सकती हैं। अब जरा ये बताइए कि सूर्य और मंगल का ग्रह का कनेक्शन क्या है? सूर्य और मंगल, यहाँ पर सारा कुछ जितना कुछ डिपेंडेंट है बेटा वो फिर मंगल के ऊपर हो जाता है। अगर मंगल जन्म कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति का है और सूर्य और मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इंसान किसी शेर से कम नहीं होता। दुनिया के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई हो, किसी भी तरह की हिम्मत के कार्य हो, किसी भी तरह का समाज को आगे बढ़ के चलाना हो और किसी भी तरह से अपने खानदान की मदद करनी हो, बेटा सूर्य मंगल का मेल और वो भी अच्छे मंगल का मेल हो जाए तो इंसान हर तरह के प्रभुत्व को जमाने वाला होता है। कहने का मतलब लीडर बनने वाला होता है। बेटा सूर्य और मंगल का मेल, दो शेर इकट्ठे हो गए और दो शेर की ताकत लिए इंसान दुनिया के अंदर कहीं ना कामयाब रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा इंसान अपने खून को, अपने यारो दोस्तों को, अपने साथ काम करने वालों को पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। तो इसीलिए सूर्य और मंगल का मेल, यानी कि सेम आप कह सकते हो कि हनुमान जी की ताकत, हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी जैसी भक्ति और हनुमान जी जैसी वो वफादारी जिसके अंदर अपनों का भला ही भला है, कहीं भी नुकसान नहीं है। तो बेटा सूर्य और मंगल का मेल सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। और लेकिन सूर्य और मंगल का मेल अगर खराब हो जाए तो मंगल देव बहुत ही खराबी कर देते हैं और मंगल खराब हो तो ऐसे में इंसान जगह जगह लड़ाई झगड़े करने वाला और जिसके अंदर की खुशी के कुछ पल भी नसीब नहीं होते जिंदगी के अंदर, ये बहुत ही खराब योग होता है। बेटा सूर्य और मंगल आपस में मिले हुए हो और मंगल बेहद खराबी के ऊपर हो, इंसान आग जलाने का अगर धंधा कर ले तो भी उसका हाल बुरा। एक्सीडेंट के अंदर ऐसे इंसान के हालात बहुत ज्यादा हद तक खराब होने के पूरे हालात बने रहते हैं। और सूर्य मंगल का मेल हो और इंसान फौज में चला जाए तो ऐसे में वहां पर भी एक्सीडेंट के योग होने लगभग तय होते हैं। तो इसीलिए बेटा अगर सूर्य मंगल का मेल है और इंसान को हर वक्त अगर गुस्सा चढ़ा रहता है, वो काम तो पूरी शिद्दत से कर लेता है लेकिन बिना लड़े नहीं रहता, बिना गुस्से के नहीं रहता, और ऐसे इंसान के घर पे अगर दवाइयों का दौर पूरा रहता है और भाइयों से अच्छी बनती नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मंगल देव खराब हो गए। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा मैं उपाय भी साथ ही दे रहा हूं, ऐसी अवस्था में सूर्य को हर रोज जल देना बेहद ज्यादा जरूरी है और दूसरा हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को या पक्षियों को डालते रहो छोटे छोटे टुकड़े करके, और साथ ही जितना ज्यादा हो सके मीठे का दान या दूध में हलवा बना करके मंगलवार के दिन बांटना, इस बुराई से टोटली बचा देगा, घर से दवाइयों के दौर को खत्म कर देगा, भाइयों के सुख को अच्छा करेगा और लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति को खत्म करके लंबी आयु देगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो भी तरीका आसान है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, दिल्ली से मान्या। मान्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम मान्या है,
मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 मार्च 1994 है। डेट जो टाइमिंग है वो है रात के 9:15 और जो मेरा प्लेस है वो है दिल्ली। गुरुजी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं और उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो कब तक क्योर हो पाएंगे, उनका वो कब तक ठीक हो पाएंगे। तुम्हारे जो लग्न का मालिक यानी कि लग्न वो होता है जिससे स्वास्थ्य और अपनी हिम्मत दोनों ही खड़े होते हैं, उसका मालिक ही तुम्हारा बीमारी के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको निकालते ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होना है। दूसरा योग है तुम्हारे लग्न के अंदर बैठा गुरु चंडाल योग, और ये जो योग बैठा हुआ है ये भी गुस्सा इरिटेशन बढ़ाता है, याद रखने की क्षमता को कमजोर करता है, पिता के सुखों के लिए ये कोई खास अच्छे हालात नहीं देता और जिंदगी के अंदर समृद्धि को कमजोर करता है, तो बेटा ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इन दोनों योगों का इलाज करते ही तुम चाहे कैसी भी बीमार हो बेटा, इसके बाद अपने उपायों के बाद अपने डॉक्टर से जब तुम कंसल्ट करोगी वो कुछ की दवाई देगा उतने में ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उपाय बहुत मामूली है बेटा, लिखो सबसे पहले 6 दिन लगातार 6-6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा के उसको जल प्रवाह कर दो, और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार तांबे की इतनी छोटी छोटी सी थालियां ले लो, उसमें आधा गुड़ और आधा गेहूं भर के बेटा वो दान में दे दो। 3 दिन लगातार सांझ के समय यानी कि सूर्य अस्त के ठीक आधे घंटे के बाद, अखबार में लिखा नजर आया था कि सूर्य अस्त कितने बजे होता है, उसके ठीक आधे घंटे के बाद गुड़ और जौ यानी कि इस तरह हाथ करके जितना उसमें आधा गुड़ और आधा गेहूं आ जाए, ये सांझ के वक्त में 3 दिन लगातार मंदिर में रख दो। और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तुम्हें उपाय ही यही करना चाहिए, और ये तीनों उपाय होते ही बेटा तुम्हारा स्वास्थ्य हर तरह से उत्तम होगा, काम काज के लिए, पिता के सुख के लिए, सब तरह के योग अपने आप उत्तम बनने लग जाएंगे। और हाँ, अगर मां की तबीयत खराब हो तो 101 पत्ते ढाक के दूध के साथ धोकर के उनको भी जल प्रवाह कर देना, और इसके बाद जिंदगी के अंदर आनंद ही आनंद होगा। गुरुदेव धन्यवाद। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त आप इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश वर्मा दिल्ली से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरे को अपनी वाइफ के बारे में जरा पूछना था। उसका है 30 जून 1972, रात के 10:55, स्थान अमृतसर, पंजाब। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, ऐसा है, एक तो वो सेद वगैरह के लिए थोड़ा सा, बाकी हमारा घर है, हमने वो भी सेल आउट करना है, काम धंधे वगैरह जो है मेरे बड़े खराब चल रहे हैं, तो ओवरऑल आपस में ये थोड़ा सा मनमुटाव भी हमेशा लगा रहता है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ पहले, इसको नींद कैसी आती है? नींद तो वैसे आती है, लेकिन उतना सो नहीं पाती, क्योंकि ये ना वो तो, मतलब बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। और दूसरी बात, एक लोगों ने मकान कब बनाया था? मकान जी मैंने आई थिंक 2013 में हमने ये फ्लैट परचेज किया था, और फ्लैट की हमारी बड़ी बुरी हाल है। हाँ बेटा, इसकी कुंडली के अंदर योग है कि जैसे ही मकान बनेगा उसके बाद लगातार धन की कमियां बढ़ती चली जाएंगी, लाभ टोटली खराब हो जाएंगे, दवाइयों का दौर आएगा और खुशियां दूर जाती हुई नजर आएंगी, ठीक है। फिर ऊपर से बेटा इसकी कुंडली के अंदर का ये 12वें घर का चंद्रमा, ये भी ऐसे ही, तुमने कहा कि ये बच्चों को पढ़ाती भी है। हाँ जी, हाँ जी, ट्यूशन पढ़ाती। अगर बेटा इसे फ्री में पढ़ाती रही बच्चों को और उनसे फीस ना ली, तो तब तो इसका भाग्य बहुत ही बुरे हालात पे आएगा, ठीक है। हाँ जी। और अच्छा ये रहेगा कि बच्चों को ना पढ़ा करके किसी और तरह का काम करे, तो जिंदगी के अंदर ये बुरेपन वो भी समाप्त होंगे। और ये जो आपको दोष लग गया मकान बनाने के बाद में बेटा, ये थोड़े से उपाय करते ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में काम धंधे और लाभ की कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी, और उल्टा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हो सके तो पढ़ाने वाला काम अगर ये छोड़ देंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और उपाय है 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले पहले इनको या तो किसी जंगल में गिरा दे या फिर इनको जल प्रवाह कर दे, पहला उपाय ये। दूसरा, 43 दिन
500 ग्राम जौ गौमूत्र के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करें और 500 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दें और उसके बाद में हर शनिवार को शनि की वस्तुएं उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा इनमें से कोई भी एक दो चीजें लेकर के ये दान में देती रहे। मात्र इतने से उपाय कर देने पे ही ये जो बुराई मकान बनने के बाद शुरू हो गई है जो समृद्धि नहीं दे रही कामकाज को अच्छा नहीं चलने दे रही बेटा ये सारी खत्म हो जाएगी और स्वास्थ्य भी इस घर में सबका अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। अब एक फाइनल उपाय हर सोमवार को 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह जरूर करना बेटा। अगर ये उपाय हो गए तो हर तरह के सुख होंगे और कोई दुख नहीं बचेगा। दाता खुश रहे। गुरुदेव आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल मकर कुंभ और मीन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा रहेगा। जरूर बेटा मकर राशि वाले अगर आज के दिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है। पारिवारिक सुख काफी अच्छा हासिल होगा शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी और जो भी काम करेंगे उसी में आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। हाँ कामकाज में अच्छी गंभीरता और एकाग्रता दिखाते हुए उसके अंदर तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है परंतु परिवार के सुख में भी कमी महसूस होने का दिन है। पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की तकलीफ की संभावना है और अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं तो बहुत संभल के जाइएगा क्योंकि हल्के फुल्के एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि वाले आज अपने धन के खर्चे से तो दुखी हो सकते हैं वरना हर तरह से दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपके मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता ये नजर आएगी जिसके कारण कामों की सफलता लगभग तय है। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से संजय राजपूत। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए फिर सवाल कीजिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1981 और जन्म टाइम है 2 PM और जन्म स्थान है बिजनौर UP। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है मैम मेरी की जॉब तो चलती है पर जैसे मकान बनाने की सोचता हूँ तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है मकान नहीं बन पा रहा अपना। बेटा तुम्हारी कुंडली लगभग काफी अच्छी है और जिसको बहुत अच्छा किया जा सकता है बस शर्त एक है कि अगर तुम शराब मास की तरफ गए तब भी ये हालात को अच्छा नहीं रहने देगा। अगर तुम साउथ फेसिंग घर में रहे और तुम्हारे घर की जो एंट्रेंस है दरवाजा है उसके ऊपर जंग लगा हुआ या साइडों से वो टूट फूट हुई तो बेटा ये तुम्हारे भाग्य के अंदर तोड़ फोड़ कर देगा और ऐसे हालात में फिर जो भाइयों के सुख और आउटफील्ड यानी कि जिनके साथ मिलकर के तुम काम करते हो उनकी तरफ से ये सपोर्ट मिलनी चाहिए बेटा उन सबके लिए ये हालात को कमजोर करेगा। इस तरह के हालात की बेटा ये जन्म कुंडली है लेकिन इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है और वो कैसे जो तुम्हारे घर की मेन एंट्रेंस है दरवाजा है उसको बेटा अच्छी तरह से पेंट पॉलिश करके रखो बिल्कुल साफ सुथरा कहीं से भी कोई तोड़ फोड़ ना हो। सबसे पहले तो वहीं से तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ती उम्र के साल में बहुत ज्यादा खराबी पे ना जाए इसीलिए हमेशा रसोई घर में बैठ के खाना तुम बिस्तर पे बैठ के खाना मत खाना बेटा ये दूसरा उपाय। और तीसरा जो कामकाज को चलाने के लिए उपाय है और वो है हमेशा अपना सर बेटा ढके रखो जिसमें अंदर की नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो यानी कि किसी भी प्रकार का कपड़ा या कैप वगैरह से। और दूसरा बेटा 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो और साल में एक बार अपने जन्मदिन के आसपास 8 दिन लगातार 8-8 खोटे सिक्के लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो। मात्र इतने से उपाय करके देख लो बेटा इतने में ही तुम्हारा कामकाज हर तरह से उत्तम होगा गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। खुश है बाबा। गुरुदेव क्योंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को सूर्य से जुड़ा हुआ सबसे खास गुरु मंत्र दे दीजिए। जरूर बेटा अगर सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य का ही गुरु मंत्र होगा। बेटा अगर आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है उसको खाना पीना पूरी तरह से नहीं पचता और हर वक्त वो बार बार रोने का एक तरह का बहाना ढूंढता है या रोता रहता है और छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है या जब भी वो उठ करके चलने की कोशिश करता है थोड़ी देर ही अगर भागता दौड़ता है और कोई ना कोई हल्का फुल्का गिर के चोट लग जाती है बेटा ये सूर्य की बेहद कमजोरी होती है। आपका बच्चा अगर अंधेरे के अंदर डरता है और बहुत डरता है और घर पे बहुत ज्यादा शरारतें करता है लेकिन बाहर वो किसी को भी फेस नहीं अगर कर पाता
तो बेटा ये भी सूर्य की खराबी होती है। ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को रविवार के दिन साथ में लेकर के ऐसी जगह जाए जहां पर बंदर हो और वहां पर जाकर के आराम से एक जगह स्थान पर सूर्य की खराबी होती है। ऐसे में माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को रविवार के दिन साथ में लेकर के ऐसी जगह जाए जहां पर बंदर हो और वहां पर जाकर के आराम से एक जगह स्थान पर थोड़ी देर बैठ के उनको गुड़ और गेहूं ये उनको जरूर खिला के आए। गेहूं वो थोड़ा सा उबाल के भी लेके जा सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी बंदर खा लेते हैं बेटा, और गुड़ साथ में और उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा करके वो डलवाए और कम से कम वहां पर 5-10-15 मिनट बैठ के आए। कारण वहां पर बेटे जो बंदर होते हैं लाल मुंह वाले, इनके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और सूर्य मंगल की एनर्जी से ही चलता है, या ये कहो कि सूर्य ने अपनी सारी ताकत मंगल को दे रखी है। तो बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आपस में मिलता है तो शरीर के अंदर से सूर्य की जो कमी है उसको ये ठीक करता चला जाता है। तो मात्र रविवार के रविवार बेटा ये उपाय करके देखो, आपके बच्चे में जोश, ताकत और हिम्मत ये सब प्रबल मात्रा में होगी और हर तरह का कॉन्फिडेंस आकर के सब सुखों को प्राप्त करेगा। दाता खुश है। आज का शो देखने के बाद आपकी कुंडली में सूर्य की चाल से होने वाली हर परेशानी अब खत्म होगी और आपके जीवन में भी सुख और सौभाग्य आएगा। बस गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को आप ध्यान रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशी बख्शे दाता।